चलिए सभी को जय हिंद वंदे मातरम। आई होप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और जैसा कि आपको पता है, हम यूनिट एंड डायमेंशन यानी कि मात्रक एवं विमाएं वाला चैप्टर कर रहे हैं, ठीक है। तो आज हम इसका लास्ट छोटा सा पार्ट जो बचा एक बार वो कर लेते हैं, उसके बाद अब आज नए चैप्टर की ओर भी हम चलेंगे, ठीक है। तो कल एक टाइप का क्वेश्चन था जो रह गया था, एक बार उसके बारे में बात कर लेते हैं, जिसके अंदर आपको थोड़ा सा बदलाव क्या दिखेगा। चलिए क्वेश्चन के रूप में इसको बताता हूँ मैं, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि आपके सामने क्या बोल रहा है कि एक है मोमेंटम। क्या है मोमेंटम? मोमेंटम यानी कि संवेग, जो किससे दर्शाया जाता है? पी से। दूसरा इसमें राशि दी गई है आपको एरिया यानी कि क्षेत्रफल, और ये आपको किससे दर्शाया गया है? ए से। और तीसरी राशि आपको दी गई है टाइम यानी कि समय, समय को किससे दर्शाया गया है? टी से। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये तीन राशियां दी गई हैं, संवेग, क्षेत्रफल और समय, यानी कि मोमेंटम, एरिया, टाइम। अब आपको बोल रहा है कि ये तीनों को माना जाए कि ये तीनों फंडामेंटल हैं। वैसे ये फंडामेंटल नहीं होती हैं, हमें पता है फंडामेंटल हमारी सात राशियां होती हैं जिसमें मास, लेंथ, समय सब आता है, ठीक है। बट ये फंडामेंटल नहीं है, ये मूल राशि नहीं है। तो ये कह रहा है कि अगर इन तीनों को हम फंडामेंटल मान लें, अब आपको बताना है क्या, कि आपको बताना है एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा। आपको क्या बताना है? एनर्जी का विमय सूत्र, ऊर्जा का। अब इसकी आपको डायमेंशन बतानी है। अब देखो ये क्वेश्चन अलग कैसे है, इस क्वेश्चन में हमें पता है कि डायमेंशन हम कैसे लिखते हैं, एम एल टी से, राइट। और हमें पता है एनर्जी की डायमेंशन क्या होती है, एम एल टू टी माइनस टू। पर ये गलत अभी इस समय यूं है कि बिकॉज क्वेश्चन में कह रहा है कि अब एम एल और टी हमारी मूल राशि नहीं है, अब वो हमारी फंडामेंटल नहीं है। हमारी फंडामेंटल क्या है अब? मोमेंटम, एरिया और टाइम। तो आपको ऑप्शन देता हूं। अब ऑप्शन ये दिए हुए हैं कि इसकी डायमेंशन आपको बतानी है इन तीनों के संदर्भ में, है ना। ऑप्शंस में आपको देता हूं, ऑप्शन नंबर ए है पी ए, ए की पावर है माइनस हाफ। पहले एक बार क्वेश्चन लिख लेना, फिर मैं सॉल्व करवाऊंगा। टी की पावर माइनस वन। ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है पी ए, ए की पावर हाफ है, टी की पावर माइनस वन है। ऑप्शन नंबर बी हो गया। ऑप्शन नंबर सी इधर कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है पी स्क्वायर ए माइनस वन, टी माइनस वन। और ऑप्शन नंबर डी है आपका पी वन ए माइनस वन टी वन। अब देखिए ये क्वेश्चन कैसे करना है सर, इसमें अब ये क्या है हमारा लॉजिक, ठीक है। अब देखो पहली चीज़ तो इसको करने के दो तरीके हैं। क्या तरीके हैं? दो तरीके। दो तरीके ऐसे हैं कि पहला तरीका है ऑप्शन से करना, दूसरा तरीका है फॉर्मूला ढूंढना है। अब देखो क्या करना है, हमें पता है कि इन तीनों के बारे में, देखो जब भी हम किसी की डायमेंशन निकालते थे क्या करते थे, हम उसको तोड़ते थे एंड तक, जब तक वो किस में ना आ जाए, फंडामेंटल में, मूल में, यानी कि उसके फॉर्मूले में ये एम एल टी आने चाहिए थे। अब हमें कुछ इस तरीके से इन तीनों को जोड़ के एनर्जी का फॉर्मूला बनाना है। तो देखो क्या कर सकते हैं, पहली चीज ये है कि आपको मैं बोलूं एनर्जी का फॉर्मूला आपको क्या याद आ रहा है। मैंने आपको बोला एनर्जी वर्क के बराबर भी होता है, कार्य के बराबर होता है। कार्य का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, कॉस थीटा को भी हटा देते हैं, है ना। अब मुझे बताओ फोर्स, अब मुझे यहां पर देखो क्या चाहिए, मोमेंटम चाहिए, एरिया चाहिए और टाइम चाहिए। अब चलिए इसकी जगह मैं एम ए लिख सकता हूं। अच्छा अब देखिए इसकी जगह क्या लिख सकता हूं, वी बाई टी इंटू डी। अब देखिए हमें पता है कि संवेग क्या होता है, अच्छा ये इसकी जगह पी लिख दिया। अब एक बटा टी, अच्छा डी बाई टी क्या होता है, तो ये v हो गया। एक और कुछ मिसिंग है, x, x आएगा फिर एक और v से, नहीं v से थोड़ी x आएगा, v by t आ गया। एक चीज और मिस हो रही है इसमें, v से हाँ नहीं, हाँ हाफ एम वी स्क्वायर हो रहा सर, नहीं अभी से चेक कर रहे हैं ना। अभी से जब चेक किया तो हमारा देखो एक तो P आ रहा है और V आ रहा है, अब इसमें T नहीं आ रहा है। तो एक और तरीका क्या है, हाँ P का एक और फॉर्मूला होता है। देखो हमें पता है कि एनर्जी यानी कि वर्क डन, और वर्क डन में एनर्जी भी होता है। एनर्जी क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। अब हाफ एम वी स्क्वायर में देखो एम वी तो हो गया हमारा क्या,
बी। अब देखो बचा हाफ, हाफ को तो आप हटा दो, हमें सिर्फ एम वी स्क्वायर से मतलब है। इस एम वी स्क्वायर को मैं एम वी इंटू वी लिख सकता हूँ, तो ये मेरा क्या बन गया पी। अब बचा वी, अब वी को कैसे करोगे, इसको मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूँ टाइम से, तो ये देखिए क्या बन जाएगा। नहीं हमें चाहिए, रुको इसको खोल देते हैं। तो वी को खोलेंगे तो क्या बनेगा, एक्स बाय टी। अब मैं मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूँ टी से, नहीं यहाँ पर भी कुछ दिक्कत आ रही है शायद, एरिया है या त्वरण है, क्वेश्चन चेक कर लेते हैं एक बार, फिर एक बार ऑप्शन से भी चेक कर लेंगे। रुको नहीं सही तो है, इसमें कुछ रूट का आना चाहिए रूल, सर फर्स्ट आंसर होगा, चेक कर लेते हैं। चलो एक बार ऑप्शन से चेक कर लेते हैं। ऑप्शन से चेक कैसे करते हैं, सबकी डायमेंशन लिख दो, क्या कर दो डायमेंशन, और इसकी डायमेंशन किसके बराबर आनी चाहिए, एम एल टू टी माइनस टू, जिसकी डायमेंशन इसके बराबर आ गई वो इसका आंसर है। मोमेंटम की डायमेंशन क्या होती है, एम वी एम एल टी माइनस वन। ए की बात करते हैं, ए क्या होता है, एल टू, एल टू की पावर क्या है, हाफ, तो एल बन जाएगा, हाफ क्या हो जाएगा, देखो ये एल की पावर माइनस हाफ है, तो ये माइनस वन हो गया, अच्छा टी माइनस वन का है। तो चलिए इस पूरे को एक साथ सॉल्व करते हैं, एम वैसा का वैसा रहेगा, एल क्या आ गया वन, और ये माइनस वन जीरो है ना, ये एल जीरो और टी माइनस टू, क्या ये इससे मिल रहा है, ना। तो ये ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन देखो, दूसरा ऑप्शन क्या है, पी ए, ए की पावर हाफ है, ठीक है, तो पी हमारा क्या हो जाएगा, वही एम एल टी माइनस वन, एरिया क्या है ए टू, ए की पावर क्या होती है, यहाँ कितना आ जाएगा, L2 होता है तो L1 हो जाएगा, तो ये L2 है, L2 की पावर हाफ है, तो ये L1 हो जाएगा, हाँ। तो सिंपल L लिख दूं, और यहाँ क्या आएगा, T की पावर माइनस वन। अब बताओ M L2 T की पावर माइनस टू, ऑप्शन बी करेक्ट है। और अगर इसको मैं फॉर्मूले में भी बदलूं, देखो क्या आ रहा है, P अपॉन रूट A अपॉन T, और ये हो गया एम वी एरिया, इसको एक्स स्क्वायर एक्स कर दें, एक्स बाई टी, इसको आना चाहिए, वैसे भी आना चाहिए, मैं चेक करता हूँ एक बार, कहीं फॉर्मूले में गलती कर रहे हैं हम, ठीक है। वैसे ऑप्शन नंबर क्या आंसर इसका, बी। तो तरीका अभी आपको क्या समझ में आया, ऑप्शंस को देख के हमें इसमें करना है। अब एक और मैं आपको इसके बाद क्वेश्चन दूंगा, पहले आप इसको उतार लीजिए, क्या किया मैंने यहाँ पर, एनर्जी की डायमेंशन मुझे याद है, विमा क्या होती है, एम एल एम एल टू टी माइनस टू, फिर मैंने क्या किया, सारे ऑप्शंस को चेक किया, जहां पर भी जिसकी डायमेंशन यानी कि विमा इसके सेम आ गई वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो मैंने एक एक करके इसको यहां पर पुट किया और मैंने देखा कि उसका आंसर क्या आ रहा है, एम एल टू टी माइनस टू आ रहा है, वो किस में आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी में। एक बार मैं उससे फिर चेक करता हूँ, वर्क से करके देखते हैं, एफ इंटू डी, एफ हो गया एम ए इंटू डी, ए क्या हो गया v बाय टी, और ये d ऑलरेडी है, v क्या हो गया d बाय टी का स्क्वायर आ गया ना, तो हमारा बेसिकली वो निकालना है, तो ये बन गया देखो m इंटू वी करेंगे तो ये p हो गया, और सॉरी मैं तो विमा निकाल दी, ये हो गया हमारा P, ये D by T आ रहा है। अब यहाँ पर कुछ दिक्कत आ रही है, D से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करूँ तो P, सर हाफ एम वी स्क्वायर करो, एक भी बच जाएगा, एक भी तो जाएगा, एक भी से भी संवेग कैसे आएगा, एरिया हाफ, हाँ हाँ हाँ, एम वी स्क्वायर एम इंटू वी इंटू वी, तो ये आपका P हो गया, P इंटू वी, वी हो गया आपका D by T, नहीं V आ गया ना, V हमारा क्या है, हमें एरिया चाहिए, तो इसको मल्टीप्लाई, हाँ हो जाएगा हो जाएगा, ये हो गया आपका D बाई टी, अब मल्टीप्लाई करो आप D बाई डी से, नहीं एरिया से करें, तो ये हो गया P इंटू, नहीं ये अभी भी नहीं बैठ रहा है, चलिए देख लेते हैं इसको, मैं बाद में बता दूँगा, फिर रूबो स्क्वायर हटाना पड़ेगा मेरे हिसाब से, चलो कोई नहीं, तो इसका अभी इससे हमारा आंसर कितना आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए एक और क्वेश्चन इसका देखते हैं,
हाँ मैं वो फॉर्मूला लिखवाया था ना, कौन सा, और एफ और पी में रिलेशन लिखवाया था एक बार, एफ और हाँ 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 उससे भी हो सकता है, एफ बराबर चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम, तो ये हो गया एफ इंटू टी बराबर चेंज इन मोमेंटम। चलो कोई नहीं, इसको एक बार देख लेंगे अपन वापस, ठीक है, एम जी एस से करके देख लो, एम क्या हो गया मास, जी हमारा त्वरण हो गया, एच हमारा क्या है हाइट, एल हो गया, एल हो गया, ठीक है, हो जाएगा, इससे भी हो जाएगा, ठीक है। बाकी मेरे हिसाब से ये वाला ऐसे ही रहेगा, बिकॉज इसमें आपको सारे फॉर्मूले आपको नहीं तो याद करने पड़ेंगे, डायरेक्ट तरीका क्या है, सारी डायमेंशन रख के इसको कर लो, ठीक है। बाकी वो है, पर उसमें क्या आपको सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए, ठीक है। तो अभी मैं वो रिकमेंड क्यों नहीं करूंगा, बिकॉज अभी तक हमने सारे फॉर्मूले अभी नहीं पढ़े, ठीक है। चलिए कोई नहीं, और ये वाले जो होते हैं थोड़े रेयर हैं, बट ठीक है, मैंने आपको सारे केसेस इसमें करवा दिए, ठीक है। आज हम नया चैप्टर करेंगे, कल आपको मैं इसकी शीट दे दूंगा यूनिट और डायमेंशन की, ठीक है। चलिए आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो कि है वेक्टर, वेक्टर यानी कि सदिश। ओके, अब देखो जब हम ये चैप्टर पढ़ते हैं वेक्टर, सबसे पहले बात करते हैं कि इसके ऊपर चैप्टर बना क्यों है, ठीक है। देखो मैंने आपको बोला कि फिजिक्स के अंदर क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटी, क्या होती है फिजिकल क्वांटिटी, और फिजिकल क्वांटिटीज की खासियत क्या होती है कि आप उसको मेजर कर सकते हो, क्या सकते हो, माप सकते हो। और फिजिकल क्वांटिटी जो होती है उसके अंदर दो चीज़ें होती है, कौन कौन सी, एक होती है उसके अंदर मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड यानी कि वो कितना है। अगर मैं बोलता हूँ कि एक न्यूटन है, फोर्स है, हंसी क्यों आ रही है, कोई प्रॉब्लम है, है इसने इसका वेक्टर बोल दिया, इसको मैग्नीट्यूड और डायरेक्ट, ठीक है, अभी बीच में ऐसा मत, ऐसे भी फ्लो जाता है, ठीक है। देखो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो होती है उसके अंदर होता है एक मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड यानी कि संख्या, यानी कि फॉर एग्जांपल फोर्स हमारा 5 न्यूटन है, तो वो 5 न्यूटन हमारा क्या है, परिमाण है, प्लस साथ में होती है डायरेक्शन, डायरेक्शन यानी कि दिशा क्या है। अब मैंने आपको पहले भी बताया था एक बार स्टार्टिंग में कि वेक्टर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती है जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। अब ये वेक्टर के ऊपर ही चैप्टर क्यों बना है, स्केलर पे क्यों नहीं बना, बिकॉज वेक्टर आसान है। वेक्टर में अगर मैं आपको एक क्वांटिटी का एग्जांपल दूं, जैसे कि मास, द्रव्यमान, 5 kg प्लस 5 kg करोगे 10 kg है, ये फिक्स है, क्योंकि यहां पर दिशा का कोई भी या डायरेक्शन का कोई भी इफेक्ट, प्रभाव, अपने इफेक्ट यानी कि प्रभाव नहीं पड़ता है, तो यहां पर हमें कोई दिक्कत की बात नहीं होती। पर जब हम वेक्टर में दो चीजों को जोड़ते हैं या घटाते हैं तो वो नॉर्मल हमारे मैथमेटिक्स से नहीं होती। अगर फॉर एग्जांपल कभी आप दो विस्थापन को जोड़ रहे हैं तो हर बार वो 10 नहीं आएगा, कभी हो सकता है वो 10 से कम भी है, हो सकता है उससे काफी कम आए, तो वो बदल रहा है, और वो किसकी वजह से बदल रहा है, डायरेक्शन। तो इसीलिए डायरेक्शन जब जुड़ जाती है क्वांटिटी के साथ, तब उसके अंदर एडिशन सब्ट्रैक्शन अलग तरीके से होता है, इसीलिए वेक्टर को हम अलग से पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये एक जनरल आपका एक वो था कि हम ये चैप्टर क्यों पढ़ते हैं। अब बात आती है कि इसके अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है, तो सबसे पहला इसके अंदर आता है कि एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, क्या करते हैं, रिप्रेजेंट यानी कि निरूपित, हिंदी में लिख लेना निरूपित, यानी कि किस तरीके से इसको दर्शाया जाता है। अब दो तरीके से हम इसको बात करेंगे रिप्रेजेंटेशन की, एक होता है जो होता है डायग्राम के रूप से, क्या होता है, डायग्राम, और एक होता है मैथमेटिकल यानी कि गणितीय रूप, क्या होता है, मैथमेटिकल यानी कि गणितीय रूप। तो पहला हम क्या देखते हैं, डायग्राम। डायग्राम पे वैसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ज्यादातर हम कौन सा करते हैं, मैथमेटिकल, पर हम एक समझेंगे। पहली चीज ये होती है कि डायग्राम से किसी वेक्टर को कैसे दर्शाया जाता है। मैंने अभी क्या बोला, वेक्टर के पास दो चीजें हैं, नंबर और डायरेक्शन। अब होता यह है कि इसके अंदर हम इसको दर्शाते हैं एक एरो से, किससे, एरो। एरो के अंदर दो चीजें होती है, एक होता है इस एरो की लंबाई और एक उसका होता है हेड, हेड यानी कि सिर। अब ये जो सिर होता है ये आपको बताता है क्या, डायरेक्शन यानी कि दिशा, और इस एरो की जो लंबाई है ये आपको दर्शाएगी मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण, कि वो संख्या कितनी है। अब आप बोलोगे सर एरो बनाना कैसे है, अब फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ कि यार मुझे 10 किलोमीटर का डिस्प्लेसमेंट बनाना है, तो क्या 10 किलोमीटर की लाइन खींचोगे, पॉसिबल नहीं है। तो आप क्या करते हो, स्केल को चूज करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कह दूंगा 1 किलोमीटर 1 सेंटीमीटर के बराबर है, तो आपको कितने सेंटीमीटर की लाइन खींचनी है, 10। और वो कह रहा है कि ये 10 किलोमीटर विस्थापन नॉर्थ की तरफ है, कहाँ है, नॉर्थ की तरफ, तो आप एक 10 सेंटीमीटर की लाइन खींचोगे, तो ये हमारा वेक्टर हो गया। जहां पर इस एरो की जो लंबाई है वो क्या बता रही है, उसका मैग्नीट्यूड की वो कितना है, और एरो का हेड क्या बता रहा है। तो ये है पहला रिप्रेजेंटेशन किसका,
वेक्टर का किस बेसिस पे? डायग्राम, ठीक है। तो ये डायग्राम के बेसिस पे हो गया, तो आप इसको यहाँ लिख लेना। तो ये एरो हो, एरो से लिखा जाता है, जिसमें एरो की लंबाई क्या बताती है? मैग्नीट्यूड। और ये हेड क्या बताता है? डायरेक्शन। चलिए लिख लीजिए। अब यहाँ पर इतनी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती, पर ये मैथमेटिकल एक बार हम समझते हैं, ठीक है। गणितीय रूप इसका क्या होता है, कोई बताएगा? देखो, सबसे पहले कोई भी वेक्टर राशि को इस तरीके से लिखा जाता है। जब आप किसी भी क्वांटिटी के ऊपर एरो लगा देते हैं, अब मेरी बात सुनना, इस एरो का इससे कुछ लेना देना नहीं है। ये एरो क्या है? चिन्ह है। क्या है? चिन्ह है। जैसे अपन कॉमा लगाते हैं ना, अब कॉमा की लेंथ कितनी है, किस तरह मुड़ा हुआ है, वो जरूरी नहीं है। ये एरो की डायरेक्शन में अपन को इस तरीके से बनानी है। इसका मतलब ये नहीं कि ईस्ट की तरफ जा रहा है ये, और जब मैं बोलूँ नॉर्थ की तरफ जा रहा है तो आप ऐसे बना दो, नहीं, ये नहीं। ये चिन्ह है। क्या है? चिन्ह है, यानी कि सिंबल है। ये सिर्फ ये बता रहा है कि ये क्वांटिटी क्या है? वेक्टर है, ठीक है। अब ये वेक्टर क्वांटिटी को गणितीय रूप में कैसे लिखते हैं? तो दोनों चीजों को हमें दर्शाना है उसमें, एक तो मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। तो इसको लिखा जाता है ए वेक्टर का मॉड इंटू ए कैप, जहां पर ये क्या बताता है? मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण, और ये बताता है डायरेक्शन यानी कि दिशा। अब ये मॉड का मतलब क्या होता है? जैसे अपन जब बात करते हैं मैथ्स के अंदर, तो मॉड का मतलब होता है माइनस को प्लस कर देना, ठीक है। बट यहाँ पर अभी हम इस मॉड को क्या समझेंगे कि इसमें सिर्फ और सिर्फ नंबर है, इसमें डायरेक्शन नहीं है। अगर मैं बोलता हूँ एक फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन नॉर्थ की तरफ, और अगर मैं मॉड लगा दूँ तो मुझसे मैं नॉर्थ को हटा दूंगा, रहेगा तो वो 5 ही। पॉइंट मेरा यहां पर ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ संख्या है। क्या है? नंबर है। अब कई बुक्स में क्या करते हैं, इसको मॉड नहीं लिख के सीधा ए लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? ए। तो वो भी सेम चीज है, या तो आप ऊपर का एरो हटा दोगे तो भी वो बन जाएगा सिर्फ और सिर्फ उसकी संख्या यानी कि नंबर, और ए कैप क्या बताएगा आपको? डायरेक्शन यानी कि दिशा। अब यहां पर इस ए कैप को क्या बोला जाता है? यूनिट वेक्टर। क्या बोला जाता है? हिंदी में बोलते हैं एकांक सदिश। क्या बोलते हैं? अभी मैं बताऊंगा इसके बारे में। इसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर, हिंदी में एकांक सदिश, ठीक है। अभी मैं आगे जाके समझाऊंगा इसका मतलब क्या है, ये कब आता है और इससे हमें क्या पता चलता है। बट अभी इस समय हमें क्या पता चल रहा है? एकांक सदिश यानी कि यूनिट वेक्टर सिर्फ और सिर्फ इसका काम क्या है? दिशा, दिशा को बताना। कोई मुझे एग्जांपल दे सकता है? आई कैप, जे कैप और के कैप, सुना है? यस सर। एक होता है आई कैप, जे कैप, अब मुझे समझ सकते हो आई कैप का मतलब क्या होता है? एक्स दिशा में। जब आपकी वस्तु किस दिशा में जा रही हो, या तो माइनस एक्स या प्लस एक्स, है ना। और अगर मैं बोलता हूँ जे कैप यानी कि वाई प्लस और माइनस वाई, दोनों ये प्लस माइनस के हो सकते हैं, और के यानी कि जेड। तो ये आपने आई जे के से क्या बताया कि वो किस तरफ है वेक्टर? अगर दोनों का जोड़ आता है, फॉर एग्जाम्पल आई प्लस जे, इसका मतलब उसका कुछ हिस्सा आई में भी है, कुछ हिस्सा जे में भी है, तो वो कुछ इस तरीके से बन रहा है। क्लियर है? तो कहने का मेरा मतलब ये है कि ये जो कैप वाला जो सीन है ना, इसका सिर्फ मतलब क्या होता है? डायरेक्शन को बताना। तो कोई भी वेक्टर होता है वो इन दोनों चीज़ों से मिलके बनता है। तो एक हमने डायग्राम से समझाया एरो से, और अगर गणितीय रूप की बात करें तो इससे। अगर इसमें आपसे मैं पूछूं ए कैप की वैल्यू क्या होगी? वेक्टर का अपॉन ए। तो ये कई बार डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लेते हैं कि किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या होता है, तो आप कैसे बताओगे? उस वेक्टर का अपॉन उसका मॉड। मॉड यानी कि उसका सिर्फ और सिर्फ संख्या, उसका नंबर। क्लियर है? चलो एक बार लिख लो, फिर आगे चलते हैं। तो सदिश को दो तरीके से बताया, डायग्राम से और मैथमेटिकल। डायग्राम में एरो, एरो की लेंथ बताती है उसका मैग्नीट्यूड, और आगे का हेड बताता है उसकी डायरेक्शन। और वहीं पर अगर मैं बात करूं मैथमेटिकली, तो आपका मॉड बताता है उसका नंबर,
और ए क्या बताता है उसकी डायरेक्शन। तो दोनों चीजें हमने दोनों के अंदर बता दी। अब यहां से स्टार्ट होता है मेन, है ना, आगे चलूं? चलिए अब यहां से हम समझते हैं कि यूनिट अपने वेक्टर के टाइप्स क्या होते हैं। वेक्टर के टाइप्स, सबसे पहला बात नहीं, सबसे पहला होता है क्या हुआ आज, कोई दिक्कत है बता दो भाई, मैं भी हंस लेता हूँ। पढ़ाने क्या मतलब फिर आज क्या हुआ, हंसी क्यों आ रही है? स्माइलिंग फेस। नहीं नहीं मैं तो रोज नहीं देखता क्या है ये बोला भागने गया था तो सुबह हालत खराब हो गया किसकी बोले नहीं पढ़ना है तो पढ़ो। देखो ये जो है ना, अब ये 11th 12th नहीं है, पहली चीज तो आप ये माइंड से निकाल दो, हंस लिया कर लिया चला गया टाइम निकल गया, सिलेक्शन नहीं होगा गारंटी है मेरी। आपको भी पता है सीरियस आपको रहना है, 6 महीने का समय है, हंसना हंस ले कोई दिक्कत नहीं है, बाद में तो खुद ही हंसेगा नंबर देख के, है ना। तो नंबर देख के हंसना है या कैसे हंसना देख ले, ठीक है। सीरियस तुम्हें रहना है, मेरा काम है सिर्फ पढ़ाना, ठीक है। ज़्यादा डिस्टर्ब करोगे तो बाहर निकाल दूंगा, और से ज़्यादा क्या करूँगा, उससे आपका लॉस होगा, ठीक है। बाकी मेरा वैसा नहीं है कि पढ़ क्यों नहीं रहा, ये क्यों नहीं कर रहा, मेरा काम है पढ़ाना, डाउट तुम्हारा पूछना है, नहीं पढ़ोगे तुम्हारा लॉस है। तो ये इसमें जो सीरियस है वो सीरियस है। आई थिंक आप पहले भी आए थे ना, तो इसको पता ही है कैसे कैसा चलता है कोर्स, फटाफट चलता है सब कुछ है, पढ़ना पड़ेगा नहीं तो फिर हो गया काम, ठीक है। इसमें फिर मेरे से मुझे आपको उम्मीद रखना कि सर मेरे को ये नहीं समझ में आया वो नहीं आया, ठीक है। जो सीरियस होता है वो दिख जाता है, ठीक है। तो ये आप खुद अपने आप को देखो। चलिए सबसे पहले आता है टाइप्स ऑफ वेक्टर में, जो सबसे पहला हम पढ़ते हैं इसके अंदर इक्वल, क्या पढ़ते हैं इक्वल, इक्वल यानी कि समान। अब मुझे बताओ अगर मैं बोलता हूँ दो वेक्टर है मेरे पास ए और बी, अगर मैं बोलता हूँ ये दोनों वेक्टर कैसे हैं इक्वल हैं, तो इसके लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए। पहली चीज दोनों की दिशा और दोनों का परिमाण। अभी ये दो वेक्टर इक्वल कैसे हैं, क्योंकि देखो दोनों की एरो की लेंथ बराबर और दोनों की दिशा भी एक। बट जैसे ही अगर मैं बोल दूं अनइक्वल वेक्टर, अब दो वेक्टर एक दूसरे के कैसे हैं अनइक्वल हैं, तो इसके बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। एक वेक्टर ये बनाया, एक वेक्टर ये बनाया, अब ये अनइक्वल क्यों है, दोनों की डायरेक्शन सेम है बट दोनों की लेंथ अलग अलग है, तो ये भी अनइक्वल कहलाएंगे, समान नहीं है। दूसरे की बात करूं, एक इस दिशा में है एक इस दिशा में है पर दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है, दोनों की लेंथ समान है एरो की बट दोनों की डायरेक्शन कैसी है अलग अलग है, तो ये भी कैसे कहलाएंगे अनइक्वल। तो अनइक्वल के लिए कंडीशन ये होती है, सॉरी इक्वल के लिए कंडीशन ये होती है डायरेक्शन का भी सेम होना और मैग्नीट्यूड यानी कि संख्या का भी सेम होना। अगर इन दोनों में से कोई चीज बदल जाती है, उदाहरण के तौर पर एक वेक्टर लिखा हुआ है मैंने ए वेक्टर और एक मैंने लिखा हुआ है बराबर में माइनस बी वेक्टर। अच्छा यहाँ पर माइनस का क्या मतलब होता है, डायरेक्शन। देखो सिंपल सी चीज समझना, जब कोई नंबर के आगे माइनस लगता है तो ये नंबर माइनस का है, बट जब कोई वेक्टर राशि के आगे माइनस लगता है तो वो डायरेक्शन को बताता है। अब आप बोलोगे सर डायरेक्शन कैसे, तो देखिए अगर आप देखोगे अपने आसपास या तो लेफ्ट होता है या राइट होता है या अप या डाउन, तो लेफ्ट को अगर तुम फॉर एग्जांपल इस साइड को अगर तुम प्लस मान रहे हो तो इसको क्या मानोगे माइनस, और अगर ऊपर वाले को प्लस मान रहे हो तो नीचे वाले को माइनस, और अगर कोई कह रहा नहीं सर मैं इसको माइनस मान रहा हूँ तो मान ले तो इसको प्लस मानना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि प्लस माइनस से क्या पता चलता है, डायरेक्शन। अब जैसे ये दो वेक्टर है, अब ये दो वेक्टर बराबर है क्या, नहीं है, क्यों, अब इक्वल तो मैंने लगाया है पर दोनों का ये इक्वल क्या बता रहा है, इन दोनों का मैग्नीट्यूड परिमाण समान है पर डायरेक्शन कैसी है, क्यों, क्योंकि ये प्लस का ए और वो माइनस का, तो दोनों की डायरेक्शन कैसी है ये, तो ये कहलाएगा अनइक्वल वेक्टर। जब मैं इक्वल वेक्टर की बात करता हूं तो ये समझ लो ऐसे लिख दिया मैंने, तो ये इक्वल वेक्टर है, ये एक दूसरे के क्या है समान है, क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं, तो दो हमारे लिख लो एक बार, तो दो हमारे कौन कौन से हो गए, इक्वल और अनइक्वल वेक्टर, समान सदिश और असमान सदिश, ठीक है। अब हम जो तीसरा पढ़ेंगे वो यूनिट वेक्टर के बारे में वापस पढ़ेंगे, एकांक सदिश के बारे में पढ़ेंगे, मैंने बोला था वापस उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तीसरे वेक्टर की जब हम बात कर रहे हैं, इसको हटा दूं क्या, है ना, चलिए तीसरा जो वेक्टर है हमारा ये इंपॉर्टेंट है, ढंग से इसको पढ़ लेना, यूनिट वेक्टर क्या है, यूनिट वेक्टर स्टार लगा रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
अब देखना यूनिट वेक्टर जिसको हम हिंदी में बोलते हैं एकांक सदिश। अभी मैंने आपको उसका एक हिंट दे दिया था कि उसका किस तरीके से ये दिखता है। तो इस वेक्टर के हमेशा ऊपर क्या लगता है, गैप, इस तरीके का गैप, एरो नहीं लगता है। अच्छा, पहला प्रश्न आता है क्या ये वेक्टर है? हाँ ये वेक्टर है, भले इस पे एरो नहीं लग रहा है बट ये वेक्टर है। ये क्या है? सदिश है। अब इसके नाम पे थोड़ा सा आप गौर करें, ये क्या है? यूनिट। यूनिट का मतलब होता है वन, यानी कि एक, एकांक में भी एक ही होता है। तो ये एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण यानी कि संख्या क्या होती है? वन होती है। ये फिक्स है, तभी तो इसका नाम यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर की क्या खासियत है? वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड परिमाण कितना है? एक है। अब बात आती है कि हम इसको पढ़ते क्यों और ये हमारी हेल्प कहाँ करता है? है तो ये वेक्टर, तो इसके साथ कहीं ना कहीं दिशा होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आई कैप कह रहा हूँ तो आई कैप जो होता है इसका अगर मैं मॉड करूँ तो ये वन है, पर ये आई कैप हमें क्या बता रहा है कि वो वस्तु कहाँ जा रही है? एक्स एक्सिस में जा रही है, एक्स अक्ष में जा रही है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो वेक्टर है इसको अगर मैं किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करूँ तो वो उसकी संख्या को चेंज तो नहीं कर सकता। जैसे मैं बोलता हूँ मैंने लिखा है 5 आई कैप न्यूटन, क्या लिखा है? 5 आई कैप न्यूटन। अगर मैं बोलूं इस वेक्टर का परिमाण कितना है तो वो तो 5 ही रहने वाला है। क्यों? क्योंकि इसका परिमाण तो एक होता है, तो एक किसी के साथ भी अगर मल्टीप्लाई करोगे उसको वो बदलेगा नहीं। पर ये हमें क्या बता रहा है? Direction. इसकी डायरेक्शन जो कि कहाँ है? तो इसीलिए अगला प्रश्न इसमें ये बनता है कि ये किस काम आता है। तो ध्यान रखना इसका सिर्फ और सिर्फ काम क्या होता है? डायरेक्शन यानी कि दिशा। तो दिशा को बताने के लिए हम यूनिट वेक्टर यानी कि एकांक सदिश का इस्तेमाल करते हैं। और एकांक सदिश का अभी मैंने आपको पहले ही फॉर्मूला बता दिया था, मॉड ए अपॉन सॉरी ए वेक्टर मॉड ए को सिंपल ए भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला होता है, क्लियर है। तो ये होता है हमारा यूनिट वेक्टर यानी कि एकांक सदिश। तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ समझ में आई? एक तो इसका परिमाण कितना होता है और दूसरा इसका काम क्या होता है और ये क्या बताता है? डायरेक्शन। चलिए तो ये था हमारा यूनिट वेक्टर। अभी हम इसको हमें इसमें इतना ही पढ़ना है, यानी कि यही तीन हमारे मेन इंपॉर्टेंट है, और भी बहुत सारे हैं, है ना। जीरो वेक्टर के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं, वैसे पूछते इतना नहीं है, आगे चलूं? तो जो चौथा है इसके बारे में बात कर लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं जीरो वेक्टर। क्या बोलते हैं? जीरो वेक्टर हिंदी में बोलते हैं शून्य सदिश। शून्य सदिश जीरो वेक्टर जो होता है उसको इस तरीके से दर्शाया जाता है। अब मुझे बताओ जीरो वेक्टर जो है इसका क्या मेन काम है? इसका कोई काम नहीं है, ये बस एक आप नॉर्मल वेक्टर पढ़ रहे हो। जीरो वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड जिसका परिमाण कितना होगा? जीरो। पर ये है अभी भी वेक्टर। अब अगर मुझे बताओ किसी के साथ अगर मैं जीरो वेक्टर को मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो वो उसके परिमाण को जीरो बना देगा। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले कि जीरो वेक्टर जो है इसकी डायरेक्शन क्या होती है, तो इसकी डायरेक्शन होती है रैंडम। रैंडम बोल दो या अननोन बोल दो, अननोन मतलब आप इसको ज्ञात नहीं कर सकते, बट ये मत कहना कि इसकी डायरेक्शन नहीं होती। कारण क्या है? देखो अगर आपको बोलता हूँ कि मेरे पास है आई कैप, तो आई कैप का मतलब है एक एक्स की दिशा में। अगर मैं बोलता हूँ टू आई कैप तो दो आई की एक्स की दिशा में, है ना। बट अगर मैं बोलता हूँ जीरो वेक्टर, अब जीरो वेक्टर तो एक डॉट है, डॉट मतलब ये है कि हमें नहीं पता है कि ये किस तरफ इसका एरो है, बात समझ में आ रही है। अगर एक किसी का परिमाण ही नहीं है, आप मुझे बताओ मुझे एक एरो बनाना है बट उसकी लंबाई नहीं बनानी, अगर लंबाई नहीं बनाओगे तो उसका वो हेड कहाँ आएगा? कहीं भी हो सकता है। तो ये कहना गलत है कि इसकी डायरेक्शन नहीं है। आप कहोगे कि इसकी डायरेक्शन ज्ञात करना बहुत मुश्किल है, तो हम रैंडम बोलते हैं, रैंडम मतलब कहीं पर भी हो सकती है। तो हम इसको क्या बोलेंगे कि इसकी डायरेक्शन कैसी है? अनडिफाइंड बोल सकते हो कि परिभाषित नहीं हो सकती, बट ये मत कहना कि डायरेक्शन नहीं होती, क्योंकि एक जीरो वैक्टर कहाँ है उसका हमें पता नहीं है। हो सकता है वो वेस्ट में है, ईस्ट में है, उसके लिए हमें पता होना चाहिए उसके पास अगर परिमाण होता तो, तभी तो एरो बनता, बट इसका एरो बनने के लिए जीरो है ये। तो जीरो तो एक पॉइंट अगर मान लूँ तो मुझे बताओ ये पॉइंट कहाँ पर आपको दिख रहा है? नॉर्थ में दिख रहा है, साउथ में दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है? कहीं भी हो सकता है। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? जीरो नहीं बोलते, डायरेक्शन को हम बोलते हैं अनडिफाइंड। अनडिफाइंड जो होता है इसका मतलब आप इसको नहीं बता सकते, बट ये मत कह देना डायरेक्शन होती ही नहीं है। अनडिफाइंड यानी कि ये
कहीं पर नहीं, कहीं पर भी हो सकता है, ठीक है, अननोन है, रैंडम है, कहीं पर भी हो सकता है। तो ये अलग से पढ़ लेते हैं, बाकी इस पे क्वेश्चन इतना बनता नहीं है। बट जीरो वेक्टर आपको पता होना चाहिए, एक वेक्टर है जिसका परिमाण कितना है, शून्य है। अब आता है यहाँ से मेन खेल कि आपके क्वेश्चन इस चैप्टर में कहाँ से बनते हैं, और वो है एडिशन। क्या है? एडिशन। चलिए उस पर चलते हैं, इसको चलूँ आगे करूँ। तो नेक्स्ट आता है हमारा एडिशन ऑफ वेक्टर, एडिशन ऑफ, अब दो वेक्टर का हम एडिशन सीखते हैं। वैसे तो आप अगर ये समझ लोगे तो आप बहुत सारे वेक्टर का एडिशन कर सकते हो, ठीक है। अब मुझे एक चीज़ बताना, डायरेक्शन बताने के बहुत तरीके हैं, जैसे कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट लेफ्ट राइट प्लस माइनस। वैसे एक और तरीका क्या है, थीटा। क्या है? थीटा। कैसे? अगर मैं बोल दूँ कि दो वेक्टर एक दूसरे के थीटा एंगल पे हैं, तो ये थीटा की वजह से तो पता चला कि ये वेक्टर इस दिशा में जा रहा है, ये वेक्टर इस दिशा में जा रहा है। तो थीटा क्या बताता है हमें? दो वेक्टर के बीच का दिशा। अब मेरी बात सुनना, ये थीटा जो है इसको अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, एंगल बिटवीन टू वेक्टर, दो सदिशों के बीच का कोण। अब ये इतना आसान नहीं है समझना, इसको पहले अच्छे समझना कि दो वेक्टर के बीच का एंगल होता क्या है, फिर मैं इस पे आऊंगा, ठीक है। अब दो वेक्टर के बीच का कोण ज्ञात करने के लिए आपको केस पता होने चाहिए। केस नंबर एक क्या है? देखो, या तो हेड से हेड मिला हो या फिर टेल से टेल। अब इसका क्या मतलब है कि दो वेक्टर अगर आप बना रहे हो, फॉर एग्जाम्पल एक वेक्टर मैंने ये बनाया, एक वेक्टर मैंने ये बनाया, अब ये वाला जो थीटा है ये दो वेक्टर के बीच का एंगल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये दोनों कंडीशन को ये फॉलो नहीं कर रहा है। अगर आपको दो वेक्टर के बीच का एंगल बताना है तो या तो दोनों का हेड एक दूसरे से टच हो तो ये एंगल कहलाएगा, और या फिर दोनों की टेल टच हो तो ये एंगल कहलाएगा। तो किसी भी वेक्टर के बीच का एंगल के लिए ये दोनों कंडीशन का होना जरूरी है। अब आप बोलोगे सर इससे हमारे क्वेश्चन पे क्या फर्क पड़ेगा? क्वेश्चन पे ये फर्क पड़ेगा कि अगर मैंने डायग्राम में, उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, ये डायग्राम बनाया और ये एंगल रख दिया मैंने 30 डिग्री, है ना। अब आप जब क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तब आप उसमें थीटा का मान क्या ले लोगे? 30 डिग्री, और वो पूरा गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? आपको लगा ये थीटा ये है, बट ये गलत है, है ना, ये थीटा हमारा एंगल नहीं होगा। तो अब बात आती है कि अगर ऐसा आ जाता है तो सर हम थीटा कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए भी एक कंडीशन है। अगर ये कंडीशन आपकी नहीं हो रही है तो आप इसको बनाओगे, और उसको बनाने की क्या टेक्निक है? टेक्निक नंबर एक ये है कि जिस भी लाइन में, फॉर एग्जाम्पल ये मेरी लाइन में एक वेक्टर है, तो आप उसी लाइन में उस वेक्टर को आगे पीछे कर सकते हो। रूल क्या है? जिस भी लाइन में वो वेक्टर है उस लाइन में वो आगे पीछे हो सकता है, बस एंगल चेंज नहीं करना है। आपको मैं बोल रहा हूँ कि एक वेक्टर ये है तो आप इसको इसी की लाइन में आगे कर सकते हो, पीछे कर सकते हो, बट ऐसे नहीं कर सकते। तो जो भी वेक्टर जिस भी लाइन में है उसी लाइन में उसको आगे पीछे किया जा सकता है। तो ये चीज़ आपको अब समझ में आ गई है, अब आप कर सकते हो। जैसे एग्जाम्पल देता हूँ, अगर मैं बोलता हूं दो वेक्टर हैं, ये एंगल कितना है? थीटा। अब क्या बोला मैंने रूल? जो भी वेक्टर जिस भी लाइन में है उसको आप आगे पीछे कर सकते हो। तो आप किसी को भी ले सकते हो, ऐसा नहीं है कि आपका आंसर बदल जाएगा। लेट से मैं इस वाले को, इसको मैं ए वेक्टर बोलता हूं, इसको बी वेक्टर, इस ए को मैं खींच के आगे ले गया। ये क्यों ले गया? ताकि इसकी टेल इस टेल से मिल जाए। तो हमें ये वाला एंगल निकालना है, क्योंकि ये है हमारा दो वेक्टर के बीच का एंगल। क्योंकि अब कंडीशन हो गई ना टेल से टेल, अब बताओ ये एंगल कितना होगा? ये पूरा 180 होता है, 180 माइनस थीटा करो, ये हो गया 180 माइनस थीटा। क्लियर है? कोई बोलता नहीं सर मुझे तो बी को ऊपर लेके जाना है, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं बी को खींच के ऊपर ले जाऊं तो अब क्या जुड़ गया? हेड से हेड, तो ये एंगल भी तो वही होगा, 180 माइनस थीटा होगा। बात समझ में आ रही है? तो आप किसी भी वेक्टर को आगे पीछे कर सकते हो। अब आपको ये वेक्टर को आगे पीछे करना नहीं सीखना है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि अगर क्वेश्चन में एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है तो आपको वहाँ क्वेश्चन में थीटा 30 डिग्री नहीं लेना, कितना लेना है? 180 माइनस 30, यानी कि 150। क्लियर है? वो तब लेना है जब ये कंडीशन नहीं फुलफिल हो रही हो। अगर इस तरीके से अगर यहाँ थीटा दिया हुआ है तो आपको क्वेश्चन में क्या लेना है? 180 लेना है। बट अगर ऑलरेडी
आपको इस तरीके से दिया हुआ है तो आपको 30 लेना है। क्लियर है? तो चलिए आज के लिए इतना ही है। कल हम क्या करेंगे, कल हम दो वेक्टर के एडिशन में समझेंगे, पर उससे पहले आपको ये थीटा का कॉन्सेप्ट आना चाहिए, ताकि जब हम फॉर्मूला लगाएंगे फॉर्मूले में थीटा भी आएगा, और वो थीटा कौन सा है वो आपको आज मैंने बता दिया है। ठीक है, चलिए कल इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे, और कल मैं आपको शीट भी दे दूंगा। ठीक है, ठीक है, जो भी हमें ऑनलाइन देख रहे हैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से आप जुड़े रहें, तब तक सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।